बच्चे आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है। होमवर्क क्या है? होमवर्क क्लास में है, नंबर वन, व्हिच टाइप ऑफ मिरर हैज ए पॉजिटिव फोकल लेंथ, क्वेश्चन नंबर टू, किस तरह का मिरर का पॉजिटिव फोकल लेंथ, कन्वेक्स, कनकेव या प्लेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट हैपेंस व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, क्या होगा जो रे ऑफ लाइट मिरर के सरफेस पर नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है। थर्ड है कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फोर्थ नंबर है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन सारे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, किसी भी प्लेन मिरर के सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया तो बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। आप लोग के लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, नंबर वन इन ए प्लेन मिरर ऑन ए सिनेमा स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाई डज ए पार्टिंग इन आवर हेयर ऑन द लेफ्ट अपीयर टू बी ए पार्टिंग ऑन द राइट व्हेन सीन इन ए मिरर, तो क्या कारण है, अब बताएंगे उसका नेम। क्वेश्चन नंबर एट, डिफाइन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए स्फेरिकल मिरर। क्वेश्चन नंबर नाइन, नेम द स्फेरिकल मिरर व्हिच हैज, नंबर वन, वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस किस स्फेरिकल मिरर का होता है और रियल प्रिंसिपल फोकस किस स्फेरिकल मिरर का होता है। क्वेश्चन नंबर टेन, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर, अगर फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 25 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए कनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर व्हाट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को किस जगह पर आप रखोगे, डज ए कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को किस जगह पर रखोगे जिससे कि वो प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड मैग्नीफाइड एंड रियल इमेज, जिससे वो इन्वर्टेड भी बनाएगा उल्टा लेकिन मैग्नीफाइड यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा और रियल इमेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी कनकेव मिरर के फोकस पर रखा जाता है, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, तो इमेज कहाँ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर, करा एक बॉडी जिसका साइज 1 मीटर का है, अगर उसका मैग्निफिकेशन 2 है तो उस बॉडी का इमेज का साइज क्या होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हिच मिरर हैज ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, किस मिरर का वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होगा। ओके स्टूडेंट, ये आज के लिए आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क कर लेंगे फिर हमको भेज देंगे आंसर, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।